आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि खराब मॉनसून भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए संकट का कारण बन सकता है। आज भी देश में कुल बोई गई फसलों की 69% सिंचाई बरसात के पानी से ही होती है। देश में 70% वर्षा मॉनसून में ही होती है। इतना ही नहीं, देश की आधी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। इसलिए देश में खराब मॉनसून का मतलब खराब उत्पादन होगा और इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इससे महंगाई बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ रबी फसल में किसानों को खराब मौसम की तबाही झेलनी पड़ी थी। हीट वेव जैसे हालात के कारण देश में गेहूं उत्पादन में कमी आई। इसके कारण गेहूं के निर्यात पर रोक भी लगानी पड़ी। वहीं एक बार फिर खराब मानसून के कारण देश की खाद्य सुरक्षा के लिहाज से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मौसम विभाग ने जहां अच्छी बारिश की भविष्यवाणी की है, वहीं जून महीने की शुरुआत में इसके धीमा पड़ने के कारण धान जैसी प्रमुख फसल की बुआई प्रभावित हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक का कहना है कि देश भर में वर्षा की कमी 11 जून को 43% से घटकर 17 जून को 18% रह गई। उनका कहना है कि प्रायद्वीपीय भारत देश के पूर्वी और मध्य भागों पूर्वोत्तर में सामान्य वर्षा की गतिविधि जारी रहेगी। साथ ही कहा कि 23 जून के बाद उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि मॉनसून कभी भी एक समान वर्षा वितरण की ओर नहीं ले जाता है। अगर हम स्थानिक वितरण को देखें तो कुछ क्षेत्रों में कम वर्षा होगी और कुछ जगहों पर अधिक। उनका कहना है कि ला नीना की स्थिति, जिसे मॉनसून के लिए अच्छा माना जाता है, मौसम के अंत तक जारी रहेगी। वहीं स्काईमेट वेदर के अध्यक्ष का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि मॉनसून तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर गया है। जहां तक कृषि क्षेत्र का संबंध है, देश में कम बारिश हुई है, लेकिन यह जल्द ही बदलने वाला है। मौसम विज्ञानी ने शुक्रवार को कहा था कि पश्चिम उत्तरी ओडिशा और उससे सटे बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में 3 से 4 दिनों में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन जाएगा, जो भारत गंगा के मैदानी इलाकों में हवा के पैटर्न को बदल देगा। उन्होंने कहा कि चक्रवाती परिसंचरण सामान्य पूर्वी प्रवाह की शुरुआत करेगा, जो उत्तर पश्चिम भारत में मानसून के आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड सहित देश के मध्य भाग मानसूनी क्षेत्र हैं, जहां पर इस वक्त मानसून कमजोर है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब और हरियाणा में किसान मानसून पर निर्भर नहीं है, उनके पास अपने संसाधन और सिंचाई का नेटवर्क है, जबकि मध्य भारत मानसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार करता है। मानसून में देरी से महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि यह कोंकण तट से विदर्भ तक फैला एक बड़ा राज्य है और यहाँ मौसम की विविधताएं हैं। लेकिन स्थिति बेहतर हो रही है। कम से कम जून महीने के लिए निराशाजनक दौर खत्म हो गया है। अब वर्षा सिंचित क्षेत्र से अच्छे प्रदर्शन करने की उम्मीद है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।